तो हम रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसमें हमने बात करी थी कि किसी भी क्रिया कारक की क्रिया करने की दर उसके सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होती है, उसके आधार पर हम क्रिया का वेग निकाल सकते हैं। क्रिया कारक के आगे माइनस चिन्ह लगेगा, उत्पाद के आगे प्लस चिन्ह लगेगा, तो जो भी उसके आगे डी लगाएंगे अपॉन डी टी, आगे जो संख्या होती है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की बात करें अपन, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 के अनुसार यदि NH3 अमोनिया के बनने की दर 0.6 मोल प्रति लीटर है तो N2 और H2 के लुप्त होने की दर क्या होगी। लुप्त होने की दर या क्रिया करने की दर एक ही बात है, तो हमारे पास क्रिया क्या आ रही है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। अच्छा, हमें उसने क्या दे रखा है, अमोनिया के बनने की दर, मतलब DNS3 अपॉन DT। ये जो अपन दे रखा है या पूछा गया है उनके आगे संख्या से अभी कोई मतलब नहीं है, कि NS3 जिसकी बात कर रहा है उसी के आगे D लगा के DT लिखेंगे। ये दे रखा 0.6 मोल प्रति लीटर, पूछ क्या रखा है हमसे, एक तो DN2 अपॉन DT और एक DH2 अपॉन DT। अब पहले इससे अपन वेग निकालेंगे, वेग DX अपॉन DT बराबर क्या होगा माइनस, अच्छा न्यूमेरिकल में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस केवल इस बात को दर्शाता है कि समय के साथ क्रिया कारक की सांद्रता कम होती है तो माइनस, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है इसलिए प्लस। न्यूमेरिकल करते समय हमें प्लस माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। तो DN2 अपॉन DT बराबर 1/3, आगे जो संख्या होती है भाग में चली जाती है, DH2 अपॉन DT बराबर 1/2 DNH3 अपॉन DT। अच्छा, अब हमें उसने मान दे रखा है NH3 अपॉन DT का, एक बार NH3 का संबंध N2 के साथ, सब आपस में बराबर है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो पहले DN2 अपने को निकालना है, तो DN2 अपॉन DT बराबर क्या है 1/2 DNH3 अपॉन DT बराबर 1/2 DNH3 अपॉन DT का मान कितना 0.6 × 0.6, तो से ये कट गया 0.3, आंसर आ गया 0.3 मोल प्रति लीटर। अब हमें चाहिए H2 के लुप्त होने की दर, तो इसमें इन दोनों में ये संबंध है 1/3 DH2 / DT 1/2 DNH3 / DT 1/3 DH2 / DT बराबर 1/2 DNH3 / DT, लेकिन हमें क्या चाहिए DH2 / DT, तो इस तीन को उधर ले जाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको अपन बोलते हैं। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि DH2 अपॉन DT बराबर 3, यहाँ से ये 3 उठ के यहाँ चला गया, 3/2 DNH3 अपॉन DT बराबर 3/2 × 0.6, इससे 0.3 बार कट जाएगा, गुणा हुआ तो 0.9 मोल प्रति लीटर। इस तरीके से नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर क्या हो गई 0.3 मोल प्रति लीटर, और NH3 के लुप्त होने की दर हो गई, सॉरी हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर 0.9 मोल प्रति लीटर। ये तो सिस्टम से हुआ, अब शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। देखिए, क्रिया हमारे पास क्या है N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, उसने अमोनिया के बनने की दर दी है 0.6, अमोनिया के बनने की दर 0.6 दे दी उसने, ये शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। अमोनिया कितने हैं 2, पहले आप टोटल जो दे रखे हो लिख दो समीकरण के साथ, अमोनिया 2 है
दो मोल पर 0.6 बनता है, तो आपको एक मोल का निकाल देना, मतलब एक अणु का निकाल देना है। दो अणु का 0.6 बन रहा है, एक अणु का कितना बनेगा 0.3। दो अणु का 0.6 बन रहा है, एक अणु का 0.3, तो अब एक का निकाल लो, उसके हिसाब से बाकी को गुणा कर लो। तो एक अणु का 0.3, तो अब यह 3 है, तो इसकी तुलना में 3 गुना हो, इसका कितना जाएगा 0.9। ये एक है, एक का कितना 0.3, तो 0.3, तो ये और सीधा आंसर हो गया। पूरा इतना नहीं निकाल के हम क्या करो, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से एक अणु का निकाल लो, एक अणु का निकाल के बाकी को उस हिसाब से गुणा कर लो जितने अणु है उस हिसाब से, तो आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट NH3 का 6 दे दिया, तो H2 का 9 हो गया और N2 का 3 हो गया। ये सीधा तरीका हो गया। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेग व्यंजक या वेग समीकरण। वेग व्यंजक या वेग समीकरण ये क्या कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम हमने रासायनिक साम्य में भी पढ़ा था, उसके अनुसार किसी भी क्रिया की क्रिया करने की दर उसके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो जैसे कोई क्रिया है N1A + N2B, ये कुछ भी उत्पाद बनाती है, कोई क्रिया है उसने N1A और N1 के A अणु ने N2 के N2B के N2 अणु के साथ क्रिया करी, उत्पाद बनाया, तो इसके लिए जो वेग क्रिया की दर या वेग क्या होगा, क्रिया की दर या वेग dx/dt समानुपाती होगा इसके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। तो क्रिया कारक कौन है, a की सांद्रता इनटू b की सांद्रता, इसमें जो आगे संख्या होती है वो घात पे चली जाती है n1 n2। समानुपाती का चिन्ह हटता तो वो स्थिरांक आता है, स्थिरांक आ गया dx/dt बराबर के a की घात n1 b की घात n2। इसी को हम वेग व्यंजक कहते हैं, dx/dt बराबर के a की घात n1 b की घात n2। तो सीधी सी बात है, dx/dt के लिखना है, किसी का वेग व्यंजक बनाना है, किसी क्रिया के लिए वेग व्यंजक बनाना है, तो dx/dt बराबर के जो क्रिया कारक हैं उनको गुणा कर लो, आगे जो संख्या वो घात पे चली जाएगी, वेग व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के क्या है, के है क्रिया का वेग नियतांक या दर स्थिरांक, क्रिया का वेग नियतांक या दर स्थिरांक। तो dx/dt बराबर के a की पावर n1 और b की पावर n2, यह है क्रिया का वेग नियतांक या दर स्थिरांक, इसे अपन वेग व्यंजक या वेग समीकरण अपन कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रिया के वेग तथा वेग नियतांक की इकाई। पहले अपन देखेंगे वेग की इकाई, वेग क्या होता है dx/dt, x क्या है सांद्रता, x है सांद्रता और t है समय, तो सांद्रता बटे समय, और सांद्रता को हम नापते हैं मोल प्रति लीटर में, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि मोल प्रति लीटर, और समय ऊपर चला जाएगा तो समय इनवर्स, इसको पूरा खोल दें हम तो क्या होता है कि वेग की इकाई मोल, लीटर नीचे से ऊपर गया तो लीटर इनवर्स समय इनवर्स। मोल को लिख देता हूं मैं m से, लीटर को l से, समय को t से लिख सकते हैं या सेकंड में लिख सकते हैं। तो क्या इकाई हो गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या समय इनवर्स, तो ये वेग की इकाई हो गई मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। अब वेग नियतांक की बात करें, वे
वेग नियतांक के की इकाई। इसके लिए आपको सूत्र ध्यान रखना है, के की इकाई के लिए इसका सूत्र होता है मोल प्रति लीटर की घात 1 - n समय इनवर्स। के बराबर मोल प्रति लीटर की घात 1 - n समय इनवर्स। यहां पर n बराबर है क्रिया की कोटि, n इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n बराबर क्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जिस कोटि के लिए कह रहा है उस हिसाब से अपन निकाल देंगे। जैसे अपन बात करें कि शून्य कोटि के लिए तो शून्य कोटि के लिए n का मान क्या होगा? 0। जो कोटि का मान है वही n का मान होगा, तो शून्य कोटि के n का मान 0। अब यहाँ n की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो k की इकाई क्या हुई? मोल प्रति लीटर की घात 1 - 0 समय इनवर्स। तो 1 - 0 मतलब 1 ही हुआ। इसको खोले तो मोल की घात तो 1 ही आ रहा, मतलब मोल मीटर नीचे से ऊपर जाएगा, मीटर इनवर्स और समय इनवर्स, मतलब जो ये है वही ये है। इस बात का भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाई वही होती है जो वेग की इकाई होती है। तो वेग की इकाई मोल लीटर वर्ष समय वर्ष, और शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाई मोल लीटर वर्ष समय वर्ष। तो किस कोटि के लिए वेग की वेग नियतांक की इकाई वही होती है जो वेग की होती है? तो वो शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक की इकाई वेग की इकाई के बराबर होती है। ठीक है, अब जैसे प्रथम कोटि के लिए अपन देखें, प्रथम कोटि के लिए n का मान कितना हो गया? 1। प्रथम कोटि के लिए n का मान 1, तो वेग नियतांक की इकाई क्या हुई? k बराबर मोल लीटर की घात 1 - 1 समय इनवर्स, और 1 - 1 का मतलब क्या? तो 0। मोल लीटर की घात 0 समय इनवर्स। या क्या हो गई फिर? किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, किसी की भी घात 0 उसका मान 1। तो k बराबर केवल क्या हो गया? समय इनवर्स, या इसको सेकंड इनवर्स भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि मोल अपॉन लीटर की घात 0 का मान 1 होता है, मोल अपॉन लीटर की घात 0 का मान 1 होता है। तो द्वितीय और तृतीय कोटि के लिए अपन एक बार अभी बताते हैं इसको बचा के। तो जैसे द्वितीय और तृतीय कोटि की बात करें अपन, इसके लिए वेग नियतांक की इकाई निकालना है। द्वितीय कोटि के लिए k बराबर क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर की घात 1 - n, n का मान 2 है, तो 1 - 2 समय इनवर्स। तो k बराबर मोल प्रति लीटर की घात -1, 1 - 2 क्या, तो -1 समय इनवर्स। इसको जब खोलेंगे तो क्या होता है? मोल की घात तो वो के वही होती है जो इस कोष्टक के ऊपर है, मोल की घात सेम टू सेम वही होती है, और लीटर की घात संख्या तो वही है लेकिन चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो साइन बदल जाता है, ऊपर है माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। जैसे k बराबर
मोल की घाट तो सेम टू सेम यही आएगी, मोल की घाट माइनस एक, लीटर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। लीटर एक या नहीं भी लिखे, एक को दो भी चलता है। समय इनवर्स तो ये एम एल और सेकेंड इनवर्स हो। इसमें देखें एन का मान तीन आ गया तो के लिए क्या होगा, मोल प्रति लीटर घात वन माइनस तीन। समय इनवर्स तो के बराबर मोल अपॉन लीटर की घात माइनस दो। समय इनवर्स इसको खोल दें तो मोल की घात माइनस दो लीटर की घात दो और समय इनवर्स तो मोल की घात माइनस दो लीटर की घात दो और सेकेंड इनवर्स या टी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से किसी भी क्रिया के लिए हम वेग नियतांक की इकाई के की इकाई निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। तो क्रिया की कोटि क्या होती है, जो हम वेग समीकरण बनाते हैं उस वेग समीकरण में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, जो घात आती है उन घातों का योग ही क्या होती है, क्रिया की कोटि होती है। जैसे हमारे पास कोई क्रिया है N1A प्लस N2B, ये बनाएगी कोई उत्पाद बनाएगी, इसका वेग समीकरण हम निकालें तो इसका वेग dx/dt बराबर k, क्रिया कारक कौन है, ए और बी, ए की घात N1 है और बी की घात N2 है। तो इन घातों का योग ही क्या होती है, क्रिया की कोटि होती है, मतलब N1 + N2। तो क्रिया के वेग समीकरण में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर N1 N2 नहीं लेके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A + B, मतलब ए और बी ले रहा हूँ, इसकी घात ए और इसकी घात बी। तो यहाँ पर क्रिया की जो कोटि होगी वो क्या होगी, क्रिया की कोटि एन बराबर ए और बी इनकी घातों का योग ए प्लस बी। अब यहाँ ए प्लस बी का मान N1 + N2 के बराबर हो भी सकता है या उसके बराबर नहीं भी हो सकता है। ए प्लस बी का मान N1 + N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका घात इतनी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। क्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। तो क्रिया की कोटि शून्य, भिन्नात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, शून्य भिन्नात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, पूर्णांकों में भी हो सकती है। तो अब शून्य कोटि होगी तो घात शून्य थोड़ी आएगी, घात शून्य जाएगी तो मान एक हो जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस में आएगी, पॉइंट में आ सकती है कोटि। तो इसलिए इसका मान क्या है, ए प्लस बी का मान N1 और N2 के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। क्रिया की अधिकतम कोटि तीन हो सकती है, हालांकि एक दो क्रिया जो चार कोटि भी दर्शाती हैं, लेकिन अधिकतम कोटि की बात करें तो कितनी हो सकती है, तीन हो सकती है। तो क्रिया की कोटि क्या होती है, वेग समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्रिया की कोटि कहलाती है।
तो एक क्रिया n1 प्लस n2, तो इसका वेग dx अपॉन dt बराबर k a की घात a और b की घात b लिखा, जो n1 प्लस n2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, क्रिया की कोटि का समान है। प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, जिसका मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या, अणुसंख्यता। अणुसंख्यता तो क्रिया में क्रिया कारक के कुल अणुओं की संख्या, क्रिया कारक के कुल अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। क्रिया कारक के कुल अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। यह सदैव पूर्ण अंकों में होती है, अणुसंख्यता सदैव पूर्ण अंकों में होती है, मतलब इसका मान शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होता है, सदैव पूर्ण अंकों में होगा, एक दो तीन चार कुछ भी होगा पूर्ण अंकों में होगा, शून्य नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा। तो इसलिए अणुसंख्यता इस क्रिया के हिसाब से देखें तो कितनी होगी, एन वन प्लस एन टू होगी। हमेशा जो इसके क्रिया अणुओं की संख्या है वो उसको जोड़ देंगे, वही अणुसंख्यता होगी। तो कोटि का मान एन वन प्लस एन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अणुसंख्यता का मान सदैव एन वन प्लस एन टू के योग के बराबर ही होगा। ये क्रिया की कोटि और अणुसंख्यता की बात है। अब हम हमारा सिलेबस में शून्य कोटि की क्रिया है और प्रथम कोटि की क्रिया है, उनके बारे में हम बात करेंगे, शून्य और प्रथम के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं भिन्न भिन्न कोटि की क्रियाओं की व्याख्या। सबसे पहले बात करेंगे शून्य कोटि की क्रिया। अच्छा, तो शून्य कोटि की क्रिया क्या होगी, दो परिभाषाओं की बात कर रहे हैं। तो एक तो घातुक का योग क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके वेग समीकरण में क्रिया कारकों की घातों का योग क्या होता है, शून्य होता है। भाई कोटि होती क्या है, घातों का योग। अब कोटि शून्य तो घातों का योग क्या होगा, शून्य होगा। ऐसी क्रिया जिनमें क्रिया कारकों की घातों का योग शून्य होता है, शून्य कोटि की क्रिया कहलाती है। अब देखना, घातों का योग शून्य मतलब घात जीरो आ गई, घात जीरो आ गई तो उसका मान होगा एक। यदि घात जीरो आ गई तो मान कितना होगा, एक होगा। तो अब सांद्रता चाहे कितनी ले लो तुम, 10, 20, 50, 100, 1000, 1,000,000, उसकी घात जीरो आएगी, उसका मान हमेशा एक ही आएगा। तो कितनी सांद्रता ले लो, मान हमेशा एक ही आएगा। इसका मतलब ऐसी क्रियाएं जिनमें क्रिया का वेग उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता कितनी ले लो मान एक ही आ रहा है, शून्य कोटि की क्रिया कहलाती है। 2018 में यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस कोटि की क्रिया में क्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो शून्य कोटि की क्रिया में वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो दूसरा अपन क्या कह सकते हैं कि क्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो शून्य कोटि की क्रिया क्या हो गई, ऐसी क्रियाएं जिनमें क्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बात करें H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl, इसके लिए मैं वेग निकालूं, वेग dx अपॉन dt बराबर k H2 इंटू Cl की घात जीरो। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो एक एक है, घात जीरो क्यों आई, लेकिन मैंने बोला कि ये प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, मतलब प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। तो आपको ये ध्यान ही रखना है कि
HCl का निर्माण शून्य कोटि की क्रिया है। H2CL2 से मिलकर HCl का निर्माण शून्य कोटि की क्रिया है। अब इसमें कोटि तो कितनी हो गई, n बराबर 0 का, तो क्या 0 है, लेकिन अनुसंगता कितनी हुई, टोटल अणुओं की संख्या एक H2 और एक Cl2, अनुसंगता कितनी हो गई, 2 हो गई। जैसे N2 plus 3S2 equals to 2NS3, इसका वेग निकालू मैं, वेग dx upon dt बराबर k N2 H2 की पावर 0, N2 और H2 की पावर, अब ऐसे तो 3 होनी चाहिए इसकी, लेकिन प्रायोगिक मान है कितनी होती है, 0 होती है। तो कोटि क्या हो गई और अनुसंगिकता कितनी हो गई, 3 और 1 4। इस तरीके से अपन इसमें देखते हैं। इसके लिए अपने को यदि निकालना हो कि टी समय बाद कितनी सांद्रता बचेगी, तो समय निकालना हो, समय कितना समय लगेगा, तो समय t बराबर x अपॉन k, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, हालांकि सिस्टम से निकलता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। x क्या है, t समय बाद सांद्रता, मतलब t समय तक क्रिया हुई, प्रारंभिक सांद्रता a मानते हैं, t समय बाद सांद्रता, यहाँ पर हालांकि a नहीं आ रहा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ a प्रारंभिक सांद्रता होती है, माना कि प्रारंभ में हमने a मोल लिए और t समय बाद x मोल टूट गए, तो वो जो टूट गए वो x मानते हैं, और k क्या है, वेग नियतांक, और यदि इसमें वेग नियतांक पूछे, वेग नियतांक k बराबर क्या होता है, x अपॉन t, तो इनमें से एक सूत्र आप कोई भी ध्यान रख ले, समय t बराबर x अपॉन k या k बराबर x अपॉन t, इन तीनों में से कोई ना कोई दो चीज दे रखी होगी, तीसरी चीज अपने से पूछेगा। हालांकि ये चीज शून्य कोटि में नहीं पूछता है, प्रथम कोटि में पूछता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रथम कोटि का सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो अपन बताएंगे। तो t बराबर x अपॉन, इसका अर्धायु काल इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अर्धायु काल अभी मैं बताऊंगा वो क्या होता है। तो t बराबर x अपॉन k या k बराबर x अपॉन t, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि शून्य कोटि की क्रिया का अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल को हम t हाफ से लिख सकते हैं, या t 50% लिख सकते हैं, या t 0.5 लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अर्ध आयु काल का मतलब अर्ध आयु, आधी आयु, अर्ध आयु काल का मतलब होता है वह समय जिस पर क्रिया कारक की सांद्रता या पदार्थ की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। जैसे आपके पास 100 ग्राम पदार्थ था, अब कितने देर में वो 50 ग्राम रह जाएगा, उसे अर्धायु काल कहते हैं। तो वह समय जिस पर पदार्थ की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, उसे हम अर्धायु काल कहते हैं। वह समय जिस पर पदार्थ की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अर्धायु काल कहलाता है। अब जैसे प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी हमने, ए, प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी है, ए, तो यदि टी बराबर टी हाफ पर एक्स बराबर ए बाई टू
मतलब जो समय है वो क्या हो गया आधा, आधाई बार मान लिया। और x जो अपन मान रहे थे कि 30 समय बाद कितनी सांद्रता, तो x का मान कितना, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, प्रारंभिक सांद्रता a है, a का आधा। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, अभी थोड़ी देर पहले समीकरण एक देखा था अपन ने, समय t बराबर x अपॉन k, ठीक है, तो t की जगह क्या रख दिया अपन, t की जगह t हाफ, बराबर x की जगह क्या रखें, a बाई टू, तो क्या जाएगा t हाफ बराबर a बाई टू k। तो ये शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल हो गया t हाफ बराबर a अपॉन टू k, a बाई टू के, ठीक है। तो अर्धायुकाल हो जाएगा, अर्धायुकाल शून्य कोटि की क्रिया के लिए a अपॉन टू के, टू और k क्या है, स्थिरांक है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, तो t हाफ समानुपाती a, ग्राफ खींचू इसमें मैं प्रारंभिक सांद्रता में और अर्धायुकाल में शून्य कोटि के लिए, तो स्ट्रेट आएगा, मतलब प्रारंभिक सांद्रता बढ़ेगी तो अर्धायुकाल भी बढ़ेगा। अब ये भी क्वेश्चन आपको बोल, तो इसमें क्या हो गया, प्रथम शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि का अर्धायुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करेंगे अर्धायुकाल भी दुगुना हो जाएगा, चार गुनी करेंगे अर्धायुकाल चार गुना हो जाएगा, आधी करेंगे आधा हो जाएगा, जो परिवर्तन करेंगे वही हो जाएगा। जैसे माना कि क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि किसी शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल 15 घंटे है, किसी शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल 15 घंटे है, अब यदि उसकी प्रारंभिक सांद्रता चार गुना बढ़ा दी गई तो अर्धायुकाल कितना हो जाएगा, तो चार गुना बढ़ जाएगा, तो 15 का चार गुना कितना हो गया 60, तो 60 घंटे हो जाएगा। तो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न में से किस कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो शून्य कोटि के लिए पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है, ये अर्धायुकाल हुआ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की क्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया n बराबर एक होगा। अब n बराबर एक होगा मतलब अब सांद्रता परिवर्तित होगी तो मान परिवर्तित होगा, इसका मतलब सांद्रता पर निर्भर करेगा और घातों का योग कितना होगा एक, तो इसमें सांद्रताओं की घातों का योग तो क्या होगा एक, सांद्रताओं की घातों का योग एक होगा। दूसरा अपन बात करें तो क्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है, क्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके उदाहरण की हम बात करें, एक तो जैसे N2O4 equals to NO2 plus NO2 या 2NO2 लिख सकते हैं, H2O2 H2O2 equals to H2O plus half O2 और एक जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर्शाते हैं,
रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या दर्शाते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब जैसे कोई पदार्थ हमारे पास ए, इसने कुछ उत्पाद बनाया, प्रारंभिक सांद्रता माना किसके हमने ए मानी, ये जीरो। टी समय बाद एक्स मोल वियोजित हो जाते हैं, एक्स मोल क्रिया कर लेते तो कितना बचा, ए माइनस एक्स और ये एक्स। इसका वेग क्या हुआ, वेग डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के इंटू ए घात एक, और उसकी जगह ए लेंगे ए माइनस एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स। इसका तो कोई रोल रहता नहीं है, मेन जो समीकरण आता है। अब अपन इसमें निकाल लिया हो, हमें यदि समय निकालना हो, क्या निकालना हो, समय टी बराबर, पूरा सॉल्व करके आता है, मैं डायरेक्ट सूत्र बता रहा हूं, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए अपन जान ही रहे ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और एक्स क्या है, टी समय बाद जो सांद्रता टूट गई वो, इनके मान अपन रख देते हैं। न्यूमेरिकल जब आता है तो आप एक बात ध्यान रखना, ए का मान आपको हमेशा 100 मानना है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो ए का मान कितना मानना है 100, और एक्स का मान मानना दिया गया परसेंटेज, जितना भी परसेंट उसने दिया है, 20 दिया तो एक्स का मान 20, 25 दिया तो 25, 40 दिया तो 40, तो ए का मान तो 100 मानोगे और एक्स का मान जो भी परसेंट उसने दिया है वो एक्स का मान मानोगे। इससे हमें निकालना है वेग नियतांक के, तो टी और के एक दूसरे के स्थान बदल लेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो मेन जो सूत्र आपको इसमें ध्यान रखने का रहा वो ये रहा कितना समय लगेगा, अलग में न्यूमेरिकल कराऊंगा तो चीजें बताऊंगा कितना समय लगेगा। तो टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, के पूछ रहा है तो टी नीचे आ जाएगा के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मेन संबंध सूत्र आपको ध्यान रखना। अर्धायु काल क्या होगा इसका, प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल देख रहे हम कि प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल कैसे निकालेंगे, तो हम बात करें कि टी बराबर क्या हो गया, टी हाफ पर एक्स बराबर क्या होगा ए बाई टू, मतलब अर्धायु काल क्या होता है, जब पदार्थ की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी ए, ए बाई टू मतलब उसकी आधी रह गई, तो समीकरण दो से पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ मैं, लास्ट में लोगों सूत्र ही ध्यान रखना रहा, तो टी की जगह मैंने रखा टी हाफ 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए और एक्स की जगह आ गया ए बाई टू, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए में से ए बाई टू गया तो ए बाई टू बचा, ए से ए कट गया दो ऊपर चला जाएगा, तो टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के लॉग दो, लॉग दो का मान कितना होता है 0.30, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 0.30। अब ध्यान रखना इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि मैं टी हाफ बराबर
इनको आपस में गुणा करेंगे तो 0.693 अपॉन के आएगा। तो मेन तो अपने पास ये है, पूछे प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल कितना होगा, तो 0.693 अपॉन के, के का मान आपको दे दे तो 0.693 में के का भाग दे देंगे अर्धायु काल आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अर्धायु काल का समान रखना है। आप क्या करना है, ये वाला मान रखना, उससे क्या होगा ये इस समीकरण 2.303 वो कट जाएगा, आसानी होगी। तो आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, अर्धायु काल का मान रखना पड़ रहा है आपको, तो आप मान रखना 2.303 अपॉन के इनटू 0.30। और आपसे सूत्र पूछता है अर्धायु काल का सूत्र क्या है, तो 0.693 अपॉन के, हालांकि मैं सॉल्व करके तुम्हें बताऊंगा अभी। तो इसमें आप देख रहे हैं ए कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब टी हाफ समानुपाती स्थिरांक तो ये अर्धायु काल और ए, तो शून्य कोटि की क्रिया का अर्धायु काल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं का, सॉरी प्रथम कोटि की क्रिया का, शून्य कोटि का तो प्रोपोर्शनल होता है, प्रथम कोटि का निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किस कोटि के लिए अर्धायु काल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब अर्धायु काल जितना होता है, सांद्रता तुम दुगुनी करो, चार गुनी करो, आधी करो, चौथाई करो, दस गुनी करो, हजार गुनी करो, पचास हजार गुनी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्धायु काल जितना है उतना ही रहेगा। तो प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल पदार्थ की सांद्रता पर या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप एक ग्राम लोगे तो भी वही रहेगा, दस किलो ले लोगे तो भी वही रहेगा, तो इस पर निर्भर नहीं करता है। एक इसमें आप लोगों से पूछ सकता है अनुपात, टी 50% अपॉन टी 75%, मतलब क्रिया को 75% अर्धायु काल और 75% पूर्ण होने में लगे समय का अनुपात, तो ये होता है हमारे पास 1/2। प्रथम कोटि की क्रिया को 50% पूर्ण होने में लगा समय और 75% पूर्ण होने में लगे समय का अनुपात 1/2 होता है। या आपसे पूछ ले अर्धायु काल दे दिया और 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो आपसे यदि 75% पूर्ण होने में लगा समय पूछे तो होगा अर्धायु काल का दुगुना, जबकि शून्य कोटि में 1.5 गुना होता है। शून्य कोटि में यह अनुपात 3/2 होता है, शून्य कोटि में 50 और 75 अनुपात कितना होता है 3/2, प्रथम कोटि में कितना होता है 1/2। तो अब यदि आपसे पूछे कि प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल 40 है माना की, तो 75% क्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, तो दुगना कर देंगे अर्धायु काल को, 40 × 2 80 मिनट में पूर्ण होगी, ठीक है। तो 75% पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायु काल का 2 गुना होता है, ओके, ये इसमें रहता। अब जैसे क्वेश्चन आया कि किसी प्रथम कोटि के पदार्थ का अर्धायु काल 3 वर्ष है, मतलब 3 वर्ष में उसकी मात्रा आधी रह जाती है, यदि प्रारंभ में 100 ग्राम पदार्थ लिया गया तो कितने अर्धायु काल बाद या कितने समय बाद, दोनों चीजें पूछ सकता है, अर्धायु काल कितने लगेंगे या कितना समय लगेगा, उस पदार्थ की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी 3.125 ग्राम रह जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को कोई सूत्र नहीं लगाना, किसी सूत्र से नहीं होगा, ये ऐसे ही होता है डग्गेमारी, ठीक है। वो कैसे होता है, स्टार्टिंग में कितना लिया हमने 100 ग्राम और अर्धायु काल कितना है 3 वर्ष, इसका मतलब हर 3 वर्ष में मात्रा आधी होती जाएगी, हर 3 वर्ष में आधी, तो 3 वर्ष में कितनी हो गई 50 ग्राम हो गई,
अगले तीन वर्ष में कितनी हो गई? 25 ग्राम रह गई। अगले तीन वर्ष में 12.5 ग्राम रह गई। अगले तीन वर्ष में 6.25 ग्राम रह गई। अगले तीन वर्ष में 3.125 ग्राम रह गई। तो कितने अर्धायु काल लगे? 1, 2, 3, 4, 5 अर्धायु काल लगे। तो 5 अर्धायु काल या समय कितना लगा? 5 से 15 वर्ष। 15 वर्ष ये आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें मात्रा दे रखी और अर्धायु काल दे रखा, कितने समय बाद इतनी मात्रा रह जाएगी, उसको इस स्टेप से कर दो। सूत्र नहीं लगेगा इसमें कोई भी, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन अपने पास हो सकता है। ठीक है कि किसी प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल 70 मिनट है तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 75% पूर्ण होने में लगा समय क्या होता है? अर्धायु काल का दुगना, तो 2 × अर्धायु काल। अर्धायु काल कितना दिया उसने? 70 मिनट, 140 मिनट। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं तो आप प्रैक्टिस करना, डाउट होगा तो मेरे से पूछेंगे आप लोग। एक इसमें आरएनए समीकरण आता है, आरएनए समीकरण। और आरएनए समीकरण क्या होता है? के बराबर ए की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। डायरेक्ट आपसे सूत्र पूछ सकता है इसका, के बराबर ए की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो के क्या है यहाँ पर? वेग नियतांक या दर स्थिरांक, ए चर घातांक की स्थिरांक, ई ए सक्रियण ऊर्जा, आर गैस स्थिरांक, टी परम ताप। तो 2015 में यह क्वेश्चन पूछा था कि आरएनए समीकरण के बराबर ए की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए थे के वेग नियतांक, ई ए सक्रियण ऊर्जा, आर रिडबर्ग स्थिरांक और टी परम ताप। तो आर रिडबर्ग स्थिरांक नहीं है, आर गैस स्थिरांक है। उसने नाम दिया रिडबर्ग स्थिरांक, तो वो असत्य हो गया। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन इसमें अपने पास रहते हैं।